श्रम के क्षेत्र में चार सम्मान ग्रहीताओं को छत्तीसगढ़ शासन एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन जमनीपाली जिला कोरबा को महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव पुरस्कार से सादर सम्मानित करता है। श्रम के क्षेत्र में ही ये सम्मान श्री प्रसेनजीत साहा को। श्री प्रसेनजीत साहा महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव पुरस्कार। श्रम के क्षेत्र में ही श्री वी जनार्दन राव जी को, श्री रामलाल एवं श्री दीपक कुमार पंडित जी को संयुक्त रूप से श्रम के क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कारगर उपाय करने और सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार कर गंभीर दुर्घटना रोकने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। और इसके पश्चात बिसाहू दास महंत पुरस्कार बुनकर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री सुनील कुमार को हथकरघा पर कोसा वस्त्र बुनाई में पारंगत आपके द्वारा साड़ी के पूरे बॉडी में जरी के तार से तारा का चित्र हाथ से बूटी बनाया गया और आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको बिसाहू दास महंत पुरस्कार बुनकर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। यही पुरस्कार संयुक्त रूप से श्री राजा राम देवांगन को भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्कृष्ट कार्य के लिए बिसाहू दास महंत पुरस्कार 2018-19 से विभूषित किया जाता है। बिसाहू दास महंत पुरस्कार बुनकर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री तुकाराम देवांगन जी को हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई में पारंगत होने के कारण इनके द्वारा कोसे से ताना बाना से पूरे वस्त्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जाला तकनीक से बनाने के कारण आपको सादर विभूषित करता है बिसाहू दास महंत पुरस्कार से। श्री श्री राम देवांगन जी आपको संयुक्त रूप से बिसाहू दास महंत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2019 और 20 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार बुनकर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश कुमार देवांगन जी को धनलक्ष्मी बूटा सूती साड़ी के आंचल में हैवी जाला के साथ धनलक्ष्मी की डिजाइन एवं बॉर्डर में डाबी से 5 फुलिया डिजाइन बनाया गया। इस पुनित उत्कृष्ट कार्य के लिए राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार से विभूषित करता है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से श्री टीकाराम देवांगन जी को भी प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार।
देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार प्रदर्शनकारी लोक कला के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ शासन श्री हृदय प्रकाश अनंत को लोकगीत संगीत लोक नृत्य लोक साहित्य शिक्षा खेल प्रशासनिक सेवा नाचा गम्मत समाज सेवा महिला सशक्तिकरण और उत्कृष्ट जनसेवा विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ वातावरण रचने छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन आदि योगदान के लिए इनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार से सादर विभूषित करता है श्री हृदय प्रकाश अनंत। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार प्रदर्शनकारी लोक कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री अमोल दास टंडन जी को, प्रदर्शनकारी लोक कला एवं संगीत नृत्य को देश के विभिन्न प्रदेशों में जनमानस तक पहुंचाने एवं प्रचार प्रसार के माध्यम से लोकगीत संगीत लोक नृत्य नाचा गम्मत समाज सेवा आदि उत्कृष्ट प्रयासों के लिए देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार 2020 से सादर विभूषित करता है। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार लोक शैली पंथी नृत्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री गौकरण दास बघेल को छत्तीसगढ़ी पंथी लोक नृत्य और उत्कृष्ट मांदर वादक छत्तीसगढ़ के सभी जिला महोत्सव और पर्यटन स्थल सहित देश के कोने कोने में पंथी नृत्य कला के प्रयासों के लिए देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार से सादर विभूषित करता है श्री गौकरण दास बघेल जी। किशोर साहू सम्मान क्षेत्र हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन निर्देशन अभिनय पटकथा निर्माण। छत्तीसगढ़ शासन श्री मनमोहन सिंह ठाकुर को हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन निर्देशन अभिनय पटकथा निर्माण के क्षेत्र में उपलब्धि एवं कीर्तिमान हासिल करने के लिए किशोर साहू सम्मान से सादर विभूषित करता है। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री अपूर्व धर बड़गैया को हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उपलब्धि और कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि के उद्देश्य से किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से सादर विभूषित करता है श्री अपूर्व धर बड़गैया। धनवंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर के बी श्रीनिवास राव को इस सम्मान से विभूषित करता है। आपके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोग निवारण हेतु किए गए कल्याणकारी कार्यों का पुण्य स्मरण करते हुए छत्तीसगढ़ शासन आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धनवंतरी सम्मान से विभूषित करता है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन सुश्री अंबु शर्मा और श्री अंशुमान शर्मा जी को संयुक्त रूप से पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राज्य की संस्कृति समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर विभूषित करता है सुश्री अंबु शर्मा श्री अंशुमान शर्मा। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारिता प्रिंट मीडिया अंग्रेजी छत्तीसगढ़ शासन श्री टिकेश्वर पटेल को प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति समृद्धि और विकास पर केंद्रित रचनात्मक लेखन के लिए मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से विभूषित करता है।
पंडित माधव राव सप्रे स्मृति राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती मृणाल पांडे को मीडिया के क्षेत्र में अपने विशिष्ट रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के प्रति समर्पण भाव से रचनात्मक कार्य करने के लिए राष्ट्र का गौरव बढ़ाने पर पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्रीमती मृणाल पांडे जी अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाई हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं संचालक जनसंपर्क श्री सौमिल रंजन चौबे। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान विधि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह एवं कुमारी शमीम रहमान को विधिक साक्षरता में कानूनी सलाह के लिए दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह को विधि के क्षेत्र में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से विभूषित करता है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। मंच की ओर अग्रसर हैं कुमारी शमीम रहमान जी, जिनको विधिक सहायता में कानूनी सलाह, निशुल्क कानूनी सहायता और विधि के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से विभूषित किया गया है। लीगल अवेयरनेस के लिए 7 लघु फिल्मों का निर्माण किया है कुमारी शमीम रहमान जी ने, जिसमें भूमिका भी हमारे माननीय वकीलों के द्वारा निभाई गई है। ये मंच गौरवान्वित महसूस करता है उन्हें बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से विभूषित करते हुए। राज्य अलंकरण समारोह में अनेक सम्मानों की यहाँ पर घोषणा की गई और खुशी की बात है कि सम्मानी विभूतियों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया है। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शौर्य पदक सम्मान सोमारू करती, सहायक उप निरीक्षक जिला दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा के थाना किरंदुल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुमियापाल के जंगल में विशेष उल्लेखनीय कार्य के लिए आपको शौर्य पदक प्रदान किया जा रहा है। पदक सुमारू करती जी मंच पर हैं, शौर्य पदक इन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री केशर लाल सरोज, प्रधान आरक्षक जिला दंतेवाड़ा, घटना दिनांक 14 जुलाई 2019, घटना स्थल जिला दंतेवाड़ा के थाना किरंदुल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुमियापाल के जंगल। अगले शौर्य पदक से सम्मानित हो रहे हैं श्री बैसाखू राम सोम, प्रधान आरक्षक जिला नारायणपुर, घटना दिनांक 24/8/2019 को जिला नारायणपुर के थाना ओरछा अंतर्गत ग्राम गुमरखा के जंगलों में आपके विशेष अभियान के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान के इस कड़ी में पुनव राम दुग्गा, प्रधान आरक्षक जिला नारायणपुर, ।24/8/2019 की घटना में आपने नारायणपुर थाना के ओरछा के गुमरका जंगल में विशेष अभियान को कामयाब बनाया। अगला सम्मान है सकेंद्र कुमार नेताम, आरक्षक जिला नारायणपुर, अगला सम्मान प्रदान किया जा रहा है विवेक सिंह, आरक्षक जिला नारायणपुर,
और शौर्य पदक में अगला नाम है रमेश कुमार अंधारे, आरक्षक जिला नारायणपुर। और अब बारी है विभागीय प्रदर्शनी के पुरस्कार की। दिनांक 28 अक्टूबर से ये प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पुरस्कार विभागीय पुरस्कार के रूप में तृतीय स्थान प्राप्त किया है नगरीय प्रशासन विभाग ने और ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार। पहले हम आमंत्रित करते हैं नगरीय प्रशासन विभाग को। जोरदार तालियां, अथक परिश्रम के साथ ये प्रदर्शनियां आयोजित की गई, तैयार की गई। इसी में तीसरे स्थान पर ऊर्जा विभाग को हम आमंत्रित करते हैं। विभागीय प्रदर्शनी के अंतर्गत तीसरा स्थान संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है नगरीय प्रशासन और ऊर्जा विभाग को। इस कड़ी में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया है कृषि किसान कल्याण विभाग ने। विभागीय प्रदर्शनी को लेकर यह पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा स्थान हासिल किया है कृषि किसान कल्याण विभाग ने। सभी सम्मान ग्रहीताओं को, सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। और अब विभागीय प्रदर्शनी के पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है परिवहन विभाग ने। जोरदार तालियां, परिवहन विभाग प्रदर्शनी के माध्यम से स्थल पर ही लाइसेंस तैयार करके दिए गए, यातायात से संबंधित बहुत सी जानकारियां दी गई और विभिन्न औपचारिकताएं पूर्ण की गई। इसके पश्चात है सार्वजनिक उपक्रमों को जो पुरस्कार दिया जा रहा है। तृतीय स्थान हासिल किया है भिलाई इस्पात संयंत्र ने। भिलाई स्टील प्लांट को तृतीय स्थान हासिल हुआ। तालियां बरकरार रहें। सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में द्वितीय स्थान हासिल किया है बालको ने, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। बालको को द्वितीय स्थान सार्वजनिक उपक्रम के लिए। सार्वजनिक उपक्रम में पहला स्थान प्राप्त हुआ है एनएमडीसी को। एनएमडीसी के प्रतिनिधि यहां मौजूद नहीं है, हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। सम्मानीय अतिथियों से निवेदन कि वे अपने